आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है इफ dy/dx + 4 / cos square xy = 1 / cos square x for x belonging from -π/3 to π/3 and y of π/6 = 4/3 then y of -π/6 equals। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है एक डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx + 4/ cos square xy = 1 / cos square x। ठीक है, ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो अगर इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करें, वो क्या आता है? वो आता है dy/dx + px / y = qx। यहाँ पे px और qx x में फंक्शंस हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, या इसके लिए पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, जो कि आता है e की पावर इंटीग्रेशन px dx। ठीक है, और फिर सॉल्यूशन क्या आ जाता है? वो आता है y into e की पावर इंटीग्रेशन px dx is equals to इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर इंटीग्रेशन px dx into qx और प्लस में कांस्टेंट c। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये जो इक्वेशन गिवन है हमें, ये भी इस फॉर्म में ही गिवन है, जहाँ पे px है 4/ cos square x और qx है 1/ cos square x। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? आई एफ, वो आ जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन 4/ cos square x dx। अब cos square x को हम 1/ sec square x लिख सकते हैं, तो ऊपर sec square x चला जाएगा, तो इंटीग्रेशन में आ जाएगा 4 इंटीग्रेशन sec square x dx, ऐसे आ गया। अब sec square x dx का इंटीग्रेशन क्या आता है? वो आता है tan x, तो ये हो गया e की पावर 4 tan x इस तरीके से। ठीक है, तो e की पावर 4 tan x हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो अब यहाँ पे हो जाएगा ये y इंटू e की पावर 4 tan x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 4 tan x इंटू 1/ cos square x, तो उसको हम लिख देते हैं sec square x dx और प्लस में कांस्टेंट c, ये आ गया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम tan x को t मान लेते हैं एक बार। तो tan x को t मानने पर क्या आएगा? sec square x dx is equals to dt। ठीक है, अगर दोनों से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हम अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे अगर, तो y into e की पावर 4 tan x is equals to इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 4t into dt + c, ऐसे आ गया। तो ये तो e की पावर x वाला फॉर्म है, तो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा y into e पावर 4 tan x is equals to e की पावर 4t, यानी e की पावर 4 into tan x डिवाइड बाय 4 प्लस सी। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया है। ठीक है, अब हमें कहा गया है वाई ऑफ पाई अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 4/3। तो हम एक्स की जगह पाई अपॉन 6 रख देते हैं और वाई की जगह 4/3, तो क्या बन जाएगा ये 4/3 इंटू ई की पावर 4 और टेन पाई बाय 3, टेन ऑफ पाई बाय 6 कितना आता है 1/√3, तो ये ई की पावर 4/√3 हो गया इज इक्वल्स टू ई की पावर 4/√3 डिवाइड बाय 4 प्लस सी, ऐसा आ गया। ठीक है, तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ रही है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं अगर हम, तो ये आ जाएगा 16 माइनस ऑफ 3 इंटू e की पावर 4/√3 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल्स टू c। तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई, यानी c हो गया हमारे पास 13 इंटू e की पावर 4/√3 डिवाइड बाय 12। ठीक है, अब c की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा y इंटू e की पावर 4 tan x इज इक्वल्स टू e की पावर 4 tan x डिवाइड बाय 4 प्लस 13 इंटू e की पावर 4/√3 डिवाइड बाय 12। तो यहाँ से हमारे पास ये y में फंक्शन आ गया। अब अगर हम 4 e की पावर 4 tan x को डिवाइड में ले जाए तो फंक्शन बन जाएगा y इज इक्वल्स टू e की पावर 4 tan x डिवाइड बाय 4 इंटू e की पावर 4 tan x प्लस 13 इंटू e की पावर 4/√3 डिवाइड बाय 12 इंटू e की पावर 4 tan x। ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो यहाँ से y आ गया 1/4 प्लस 13 इंटू e की पावर 4/√3 डिवाइड बाय 12 इंटू e की पावर 4 tan x।
ये हमारे पास वाई में फंक्शन आ गया। अब हमें पूछा गया वाई ऑफ माइनस फाइव बाई सिक्स, ठीक है, तो हम एक्स की जगह पे पुट कर देते हैं माइनस फाइव बाई सिक्स, तो वाई आ जाएगा 1/4 प्लस 13/12 इंटू ई की पावर 4/√3 डिवाइड बाय ई की पावर 4 और टेन ऑफ माइनस फाइव बाई सिक्स, तो माइनस 1/√3 होगा, तो ये माइनस 4/√3 ऐसे हो गया, ठीक है। अब ये माइनस साइन है तो इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में चला जाएगा, तो वाई बन गया हमारे पास 1/4 प्लस 13/12 इंटू ई की पावर 4/√3 प्लस 4/√3, तो 4/√3 प्लस 4/√3 ये कितना हो गया 8/√3, तो वाई हमारे पास आ गया 1/4 प्लस 13/12 इंटू ई की पावर 8/√3, तो ये आ गई हमारे पास वाई ऑफ माइनस फाइव बाई सिक्स की वैल्यू, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ये कौन से ऑप्शन में गिवन है, ये हमें ऑप्शन ए में गिवन है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।